महिला की जमीन हड़पने के लिए पड़ोसियों ने किया ये काम, पुलिस ने जाना तो पीट लिया सर। तो आइए जानते इस घटना के बारे में। ये मामला श्रीनगर पुजहा थाना क्षेत्र के भवानीपुर का है, जहां जमीन विवाद में पड़ोसियों ने बुजुर्ग महिला के लाखों की जमीन को फर्जीवाड़े कर अपने नाम करा लिया। इस बात की जानकारी जब महिला को लगी तो उसके होश उड़ गए। ऐसे में उसने प्रशासन और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और न्याय की गुहार लगाई। इधर कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने इस मामले की कार्रवाई शुरू की। दरअसल भवानीपुर की रहने वाली आशा देवी की रैयती जमीन को उन्हीं के गांव में रहने वाले रामचंद्र प्रसाद और महेंद्र प्रसाद महतो ने अपनी बेटी को आशा देवी के रूप में प्रस्तुत कर अपने नाम रजिस्ट्री करा ली। इतना ही नहीं, वो महिला की जमीन हड़पने की नियत से उससे खारिज दाखिल करवा कर बैंक से ऋण लेने की तैयारी में जुटे थे। हालांकि जब 72 वर्षीय आशा देवी को इस बात की भनक लगी तो उसने फौरन इसकी सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दे दी। स्थानीय पुलिस ने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया। ऐसे में महिला ने इसकी शिकायत बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा से की। इसके बाद उनके आदेश पर तत्काल पुलिस ने श्रीनगर थाना कांड संख्या 37/21 दर्ज किया और जांच में जुट गई। सदर एसडीपीओ मुकुल परिमल पांडे ने जांच में मामले को सत्य पाया और केस को ट्रू कर उन्होंने फ्रॉड करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। इसी बीच मामला न्यायालय तक पहुंच गया और बेतिया कोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर इश्तेहार जारी कर दिया। फिर भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, वहीं वो पीड़िता पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा है। इधर पीड़िता पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के दफ्तर में भटक रही है और न्याय के साथ साथ अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रही है। इधर सदर एसडीओपी मुकुल परिमल पांडे ने बताया कि जांच में मामला सत्य पाया गया है। न्यायालय के आदेश पर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर वारंट निर्गत होने के बाद अब इश्तेहार चस्पा किया जा रहा है। जल्दी आरोपियों को सरेंडर करवाया जाएगा या उन्हें गिरफ्तार करवाया जाएगा। तो इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें ज्यादा से ज्यादा।